जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडिया ने सेकंड 2022 बैच की न्यू वैकेंसी के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे आपके ऑनलाइन फॉर्म की डेट के बारे में कि आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म है न्यू वैकेंसी इंडिया ने सेकंड 2022 बैच की वो कब आएंगे। एंड हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट के ऊपर, जो सबसे बड़ा सभी स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, हमारी DOB क्या रहेगी। तो सारे डाउट्स हम यहाँ पर एज लिमिट के ऊपर आपके करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी एग्जाम डेट के बारे में कि आपका एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम की डेट क्या रहेगी, और हम बात करेंगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो यहां पर हम एनडीए ने सेकंड 2022 बैच की न्यू वैकेंसी की स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि आपके ऑनलाइन फॉर्म कब आएगी, एंड उसके बाद हम बात करेंगे आपके एग्जाम डेट क्या रहेगी, आपके एनडीए ने सेकंड 2022 बैच की आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एंड सबसे जो बात है हमें करनी है आपके स्पेशल पॉइंट पर, वो है आपकी एज लिमिट के ऊपर। तो हम एज लिमिट के ऊपर भी यहां पर हम सारी बात करने वाले हैं। तो चलते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि उसकी जो नोटिफिकेशन है वीडियो की वो आपके पास तभी पहुंचेगी। और उसके बाद आपको टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर भी मैं अपडेट डालता रहता हूं। तो उसकी जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं एयर सक्सेस फोर्स के नाम से है, इसी नाम से है, तो आप इसको भी सर्च करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी लिंक काम नहीं करती तो आप इसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर भी आपको अपडेट वगैरह मिलती रहती है। तो चलते हैं फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC के कैलेंडर को खोला हुआ है, जहाँ पर है आपका ये जो कैलेंडर, ये आपका 2022 का है, जिसमें आपके UPSC के सभी एग्जामिनेशन की जो आपको अपडेट है वो मिल जाती है। इसको मैं टेलीग्राम चैनल, मैंने इसी वजह से बोला कि इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिससे आप 2022 के सभी एग्जामिनेशन को देख सकते हैं, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। तो ये UPSC का 2022 का कैलेंडर है, जहाँ पर आपके NDA सेकंड 2022 बैच की सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी, कब आपका एग्जाम होगा, कब लास्ट डेट होगी, कब नोटिफिकेशन आएगी, और कब आपकी जो एग्जाम की डेट है वो क्या रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इधर आप नीचे देखें तो 7 नंबर पर यहाँ पर आप NDA फर्स्ट का देख सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम होगा इधर आप देखेंगे 7 नंबर पर, तो NDA फर्स्ट का यहाँ पर पूरा डिटेल्स है कि 10 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, और जिसका अभी 1-2 दिन पहले आपका रिजल्ट आया है। लेकिन हमको बात करनी है अपने 02-2022 बैच के लिए कि इसकी भाई वैकेंसी कब आएगी, इसकी जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी, इसका एग्जाम कब होगा, सारी बातें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका भी वेट ना करिए, आप 18 नंबर पर अगर आप देख पा रहे हो, क्योंकि 18 नंबर पे पूरा आपका NDA CDS का NA का यहाँ पर शो हो रहा, तो आपको सिर्फ मतलब है अभी 18 नंबर से, क्योंकि अभी हमको अप्लाई करना है NDA के लिए। तो NDA एंड NA एग्जामिनेशन सेकंड 2022 बैच को अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो इसकी जो नोटिफिकेशन की डेट है वो है आपकी 18 मई, तो यानी कि बहुत ही जल्द आपकी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होने वाली है NDA सेकंड 2022 बैच के लिए। तो आपकी 18 मई को आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। एंड यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लास्ट डेट को थोड़ा आपका फोकस करना है कि लास्ट डेट है आपकी 14 जून, तो 14 जून आपकी लास्ट डेट होने वाली है आपकी एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के क्लोज होने की। तो 14 जून आपकी लास्ट डेट है। और हम बात करते हैं एग्जाम डेट के ऊपर कि एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। तो एग्जाम डेट आपकी 4 नवंबर 2022 फिक्स की गई है, 4 सितंबर आपकी एग्जाम डेट यहाँ पर फिक्स की गई है। 4 सितंबर को आपका एग्जाम होगा NDA NA सेकंड 2022 बैच का। नवंबर थोड़ा गलती से बोल गया, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं 4/9/2022। तो 4 सितंबर 2022 बैच को आपका जो सेकंड NDA का जो बैच है उसका एग्जाम होगा 4 सितंबर 2022 बैच को। हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी स्टूडेंट्स को ज़्यादातर पता ही होता है कि 10+2 मैथ प्लस फिजिक्स कंपलसरी होता है यहाँ पर। तो आपको मैथ बिल्कुल आपका बिल्कुल कंपलसरी 10+2 आपका यहाँ पर होना चाहिए। एंड आप अगर 12th अपीयरिंग में है फिर भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बशर्ते एक शर्त यहाँ पर क्या होती है कि आप उस एज लिमिट के क्राइटेरिया में आते हो। तो यहाँ पर आप 12th अपीयरिंग है फिर भी आप अपने फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आपकी एज लिमिट के ऊपर, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए एज लिमिट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करके रखा हुआ जो है आपके NDA फर्स्ट 2022 बैच की एग्जामिनेशन का। यहाँ पर अगर आप देखते हैं NDA फर्स्ट एग्जाम 2022 एज लिमिट, क्योंकि यहीं से आपको जैसे पता है कि आपकी जो वैकेंसी जो आपकी साल में 2 बार आती है, उनकी जो एज लिमिट का जो फॉर्मूला होता है कि 6 मंथ को ऐड करके हम नई वैकेंसी की जो एज लिमिट है उसको काउंट करते हैं। तो NDA फर्स्ट की जो एज लिमिट थी वो थी आपकी 2 जुलाई 2003। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कि एज बिटवीन 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसमें भी 6 मंथ को ऐड करना है, इसमें 6 मंथ को ऐड करना है, जिससे आपको ध्यान रखना है कि डेट आपकी वही सेम रहेगी, बस आपकी यहां पर जो ईयर है और मंथ है वो यहां पर आपका कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी आपकी डेट्स वगैरह भी आपकी चेंज हो जाती है, लेकिन अभी जो डेट्स है हम उन्हीं को यही रखते हैं, थोड़ा एक दो डेट का भी आपका फर्क हो सकता है। तो NDA सेकंड 2022 बैच के अगर हम इसी एज लिमिट को यहां पर देखते हैं,
और अगर आप इसमें 6 मंथ को ऐड करते हैं तो जो आपकी जो नई एज लिमिट है यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करते हैं तो आपकी हो जाती है 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जनवरी 2004 से लेकर यहाँ भी आपको 6 मंथ को ऐड करना है तो आपकी हो जाएगी 1 जनवरी 2007। ये आपकी न्यू वैकेंसी की एज लिमिट है। इसको मैं एक बार अच्छे से और लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मैंने बोला था कि आपकी जो एज लिमिट है वो रहने वाली है आपकी 2 जनवरी 2004 से लेकर 1 जनवरी 2007। ये आपकी न्यू वैकेंसी की एज लिमिट रहने वाली है। तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट को लेकर आपकी न्यू वैकेंसी को लेकर सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, उसकी पूरी मैं जो आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप सर आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कोई भी वीडियो वगैरह आती है तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।